स्वर्ग और नर्क शिक्षा पात्र कहानी। गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यापार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो यमनूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ ले जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन है, पुण्य आत्मा है, तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती। लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी हो तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। करुण पुराण में ये उल्लेख भी मिलता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही ले जाते हैं, और इन 24 घंटे के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहां उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिन के उत्तरकार्य तक वह वही रहता है, फिर यमलोक यात्रा करता है। पुराणों के अनुसार जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है, तो इस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा, ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर करता है। ये 3 मार्ग अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उपत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वही धूम मार्ग पृथ्वीलोक की यात्रा पर ले जाता है, और उपत्ति विनाश मार्ग नरक की ओर यात्रा के लिए। थैंक यू।